हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार रुघवानी। यह वीडियो है UER2 के पैकेज 2 का, और जैसा कि आप गूगल मैप के थ्रू देख रहे हैं, इस वीडियो की लोकेशन है कराला कझावला रोड के निकट की रोहिणी सेक्टर 39 और सेक्टर 40 के निकट रामा विहार कराला और मदनपुर डबास और मुबारकपुर डबास के निकट की। इस पोर्शन में पहले पानी भरा हुआ होता था, यहाँ पर काम होना लगभग असंभव सा लगता था, लेकिन अब यहाँ पर मिट्टी डालकर रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये हम सामने की ओर फेस करते हैं तो मदनपुर डबास और रानीखेड़ा रोड है। यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर मिट्टी डाल चुके हैं और अब यहाँ पर इस पोर्शन में रोड को क्लीन कर दिया गया है। और ये सामने की ओर ये आप देख रहे हैं, ये NHAI द्वारा मार्किंग की हुई है, यानी कि इस ये रोड यहाँ तक बनेगा। ये जो आप लैंड का पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पहले चारों तरफ पानी ही पानी भरा होता था और एक जैसे झील सी बनी होती थी पानी की, पानी को सुखा दिया गया है। इसी जगह का जगह अगर आप मेरे पिछले एक साल पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको देखकर लगेगा कि यहाँ पर जैसे असंभव सा लगता था कि यहाँ पर एक्सप्रेसवे बनेगा, हाईवे बनेगा, लेकिन असंभव को भी संभव कर दिखाया है। हैट्स ऑफ टू द इंजीनियर। इस पोर्शन की सबसे खास बात यह है और सबसे प्लस बात यह है कि हम सबको एक्साइटेड होना चाहिए कि पहले इसके अलाइनमेंट कुछ और थी, फिर वहाँ पर लिटिगेशन इशू और कुछ कॉलोनीज़ के बीच में आने से वो सारा काम रुका हुआ था और काफ़ी डिले हो रहा था और उसमें काफ़ी गवर्नमेंट पर बर्डन भी पड़ता। तो उससे बचाव करने के लिए NHAI ने पूरे रोड की अलाइनमेंट ही चेंज कर दी। ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये पुरानी अलाइनमेंट है। पहले रोड जो है इस दीवार के साथ साथ जाना था, अब उसको चेंज कर दिया गया है। ये आप वीडियो में देख रहे हैं, ये पुरानी दीवार है, ये पुरानी अलाइनमेंट है। इसमें काफ़ी कॉलोनीज़ को तोड़ फोड़ करनी पड़ती और काफ़ी पब्लिक को नुकसान भी होता, तो उससे बचने के लिए अब इसको अलाइनमेंट को चेंज कर दिया गया है। इन्हीं कुछ खास वजहों से DDA ने इस रोड को बनाने से हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि उसको काफ़ी तोड़ फोड़ करनी पड़ती और काफ़ी उसको पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल काफ़ी नुकसान होता। ये अब न्यू अलाइनमेंट है। ये पोर्शन आप जो देख रहे हैं, ये अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के पैकेज 2 का पार्ट है, जिसको कि मेसर्स कृष्णा कॉन्टेलेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। पैकेज 2 जो कि कराला कंझावला रोड से स्टार्ट होकर नजफगढ़ नांगलोई रोड तक जाता है और इसकी पैकेज 2 की लंबाई लगभग 13.45 किलोमीटर है। इस पोर्शन में जो रोड का स्ट्रक्चर है वो ग्राउंड लेवल पर ही बनाया जाएगा, यहाँ पर एलिवेटेड पोर्शन नहीं होगा और जो यहाँ के लोकल रेजिडेंस हैं उनके लिए मूवमेंट के लिए यहाँ पर अंडरपास बनाया जाएगा और रोड को थोड़ा ग्राउंड से ऊंचा ही रखा जाएगा कि ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। ये हम सामने की ओर फेस करते हैं तो टूवर्ड्स मुंडका की ओर, मुंडका की ओर भी काफ़ी स्पीड में काम चल रहा है और वो धीरे धीरे मशीनों का मूवमेंट इस रोड पर आ जाएगा। कुछ दिनों बाद यहाँ पर भी आपको मशीनों का मूवमेंट दिखेगा। ये हम सामने की ओर फेस करते हैं तो शहीद भगत सिंह नगर और कराला विलेज है। इनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अभी यहाँ गांव वालों से बातचीत हुई तो कई लोगों की ज़मीन इसमें गई है और कई लोगों की ज़मीन बच गई है, उनको काफ़ी प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन मिल रहा है और सभी लोग काफ़ी खुश हैं, काफ़ी उत्साहित हैं। अभी यह पोर्शन काफ़ी वीराना सा और सुनसान सा लग रहा है, लेकिन जैसे कि मुझे और हम सबको उम्मीद है कि विथ इन 1 मंथ यहाँ पर हैवी मशीन्स का आना जाना शुरू हो जाएगा और रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी यहाँ पर डाल दिया जाएगा। जैसे ही मुझे कोई और अपडेट मिलती है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करता हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।